हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये रूम क्लीनिंग वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि रूम कितना ज़्यादा मेसी पड़ा हुआ है। और ये जो रूम है ये पापा के बिज़नेस के लिए यूज़ होता है। इसमें सारे पापा के बिज़नेस के सामान रखे हुए हैं। बट लास्ट नाइट हम लोग यहाँ पर ही सोए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गया है इधर, तो इसीलिए हम लोग इस रूम में सोए थे। यहाँ थोड़ा गर्म लगता है। तो पहले मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके से पूरा रूम में सामान बिखरा पड़ा हुआ है। तो आज हम लोग इसको ही अरेंज करने वाले हैं, तो देखते हैं हम लोग कितना कर पाते हैं। जितना मुझे पता है, मतलब जो जो मैं सोच के रखी हूँ वो तो मुझे नहीं लगता एक दिन में पॉसिबल होगा। स्टिल मैं आप लोगों को साथ में रखती हूँ कि मैं क्या क्या करूँगी, आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बिस्तर पड़े हुए हैं उसको अरेंज कर ले रही हूँ, एक ही साथ फोल्ड करके उसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दूँगी। देन मैं यहाँ पर बाकी सब कुछ स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बिस्तर पड़ा रहेगा तो फिर बिस्तर भी गंदा हो जाएगा और काम भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सारा बिस्तर उठा के दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं। और अब मैं जो ये सामने शेल्फ़ दिख रहा है ना, इसको भी सेट करूँगी क्योंकि ये बहुत खाली है और यहाँ पे जो सामान है सारे नीचे इधर उधर फैले पड़े हैं। तो मैं पहले इसमें ही उस सामान को अरेंज कर देती हूँ, देन हम लोग बाकी का जो साफ़ सफाई का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको लगा दूँगी कि बिफ़ोर कैसा दिख रहा था रूम एंड आफ्टर क्लीनिंग कैसा दिख रहा है, तो वो वाला क्लिप मैं ज़रूर ऐड करूँगी। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक वॉच देखिए, एंड अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अब हम लोग इस साइड का जो शेल्फ़ है यहाँ पे सामान सेट करेंगे, जो कि नीचे रखा हुआ है। पापा का जो बिज़नेस का सामान है वो सब हम इस शेल्फ़ में सेट करके लगा देंगे। देन बाकी का जो क्लीनिंग है वो करेंगे। तो बीच बीच में मम्मी भी मुझे गाइड कर रही है क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है साफ़ सफ़ाई का, और स्पेशली अरेंजमेंट कहाँ कौन सा सामान रखना है ये तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो मम्मी मुझे उसमें गाइड कर दे रही है। एंड अभी मतलब देख सकते हैं रूम कितना ज़्यादा मेसी है, तो पॉसिबल नहीं है एक दिन में हो पाए। स्टिल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमसे जितना बन पाएगा हम लोग करेंगे। एंड ये मेरा फर्स्ट ऐसा कुछ वीडियो है लाइक क्लीनिंग वगैरह का। मेकओवर तो नहीं कह सकते क्योंकि मेकओवर नहीं है ये। जब भी मैं कोई रूम मेकओवर करूँगी तो उसका मैं अलग से बहुत अच्छे से शूट करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो एक फ़र्स्ट ट्राई दे के देखते हैं व्यूअर्स को पसंद आएगा या नहीं आएगा। जो भी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा इसमें सामान फैला पड़ा है। तो मम्मी वही मुझे समझा रही थी, ऊपर चढ़ करके थोड़ा मैनेज करके रख दो। तो मैं वही सब अभी कर रही हूँ, तो देखते रहिए। और आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लग ही गया होगा अभी तक। गाइज, एज़ यू कैन सी यहाँ पे मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, लाइक झाड़ू वगैरह करने में वो हेल्प कर रहा है एंड सामान भी अरेंज करने में हेल्प कर रहा है। तो ऑब्वियस सब बात है, अकेले नहीं होगा। और वीडियो तो 10 मिनट में आप लोगों को दिख जा रहा होगा कि 10 मिनट में सब कुछ हो गया, बट ऐसा नहीं है। ये करने में 2 घंटा लग गया था, 2 घंटे से इवन ज़्यादा लग गया था। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो हम लोगों ने नहीं किया, मतलब जो जितना हो पाया उतने में ही एंड कर दिया, क्योंकि भाई
हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है ना। और यहाँ पे देखिए सब अरेंज करके मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दे रही हूँ, जो भी थोड़ा बाकी है वो हम नेक्स्ट किसी दिन कंप्लीट कर लेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। तो अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ मैं, उसके बाद पोछा लगा दूँगी एंड फिर एंड में आपको शूट करके दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है रूम क्लीनिंग के बाद।